नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर। जी हां साथियों, मात्र 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर क्रिकेट जगत से आ रही है। साथियों बता दें, पूरे देश में शोक की लहर छाई। भारत के मशहूर क्रिकेटर का निधन हो गया है। महज 28 साल की उम्र में दोस्तों उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो आइए साथियों जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। साथियों बताते चले, हिमाचल प्रदेश के युवा तेज गेंदबाज सिद्धार्थ शर्मा का संचित बीमारी के बाद वडोदरा के एक अस्पताल में निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दोस्तों इसकी पुष्टि भी कर दी है। साथियों बताते चलें, HPCA के सचिव अवनीश परमार ने कहा है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ में सभी शोक मग्न हैं। सिद्धार्थ बृहस्पतिवार को हमें छोड़कर चला गया। वह पिछले कुछ दिन से वेंटिलेटर पर था। बड़ौदा के खिलाफ वडोदरा में पिछले मैच में वह टीम में था। उन्होंने कहा कि मैच से पहले उसे उल्टियाँ आने लगी और पेशाब करने में तकलीफ हुई। उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी हालत और भी बिगड़ गई। सिद्धार्थ के परिवार में माता पिता और भाई हैं जो विदेश में रहते हैं। भाई के कनाडा से आने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिद्धार्थ ने ईडन गार्डन पर 20 से 23 दिसंबर के बीच बंगाल के खिलाफ मैच में पारी के 5 विकेट और कुल 7 विकेट लिए थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हिमाचल प्रदेश की विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम के सदस्य सिद्धार्थ शर्मा के निधन के समाचार से बहुत दुखी हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख से उबरने का दोस्तों सामर्थ्य दे। साथियों हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान सिद्धार्थ शर्मा की आत्मा को शांति दे, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम अवश्य लिखें। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि देश दुनिया से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।